लियाजी एक्सप्रेस वे का पर ब्रिज चल रहा है और इस लियाजी एक्सप्रेस वे के ब्रिज के हम क्रॉस करेंगे तो गुलशन में दाखिल हो जाएंगे। अभी हम लकी वन वाले एरिया में हैं जो कि फजल एरिया में शामिल होता है। ये आप देख सकते हैं ऊपर लियाजी एक्सप्रेस वे जा रहे हैं, चाहे चीज भी नहीं लिखा हुआ है। सीधे रात पे कराची का बहुत बड़ा स्टोर है, डिपार्टमेंटल स्टोर, इम्तियाज सबका यहाँ आना होता है। जैसे बड़े बड़े इदारों में जाएंगे या बड़े बड़े फैकल्टीज में जो स्टोर हैं, इसी तरह का स्टोर बना हुआ है इम्तियाज का ही, और काफ़ी डिस्काउंटेड प्राइसेस भी चीज़ें मिल रही होती हैं। और मेरे लेफ्ट पे जाहिद बेकर्स हैं, ये सीधे हाथ में उल्टे हाथ में स्टार्ट होगी गुलशन के बाद। और ये जो गुलशन इकबाल है, ये यहाँ भी आपको बड़ी अच्छी जंक्शन मिलेगी, साफ सुथरी पढ़ी लिखी। और आप देख सकते हैं कि यहाँ कट बना हुआ है मोती महल जाने के लिए। और अगर आप सीधा जाएंगे, एहतियात में जाएंगे तो मस्कन को रास्ता निकलेगा, और अगर आप स्ट्रेट निकलेंगे तो स्ट्रेट से आपके ऊपर जो रास्ता है वो दिखेगा। हम यहाँ से लेफ्ट मुड़ेंगे, आपको दिखाएंगे मस्कन का रास्ता जो कि कराची यूनिवर्सिटी एनडी को जाता है, और साथ साथ आपको दिखाएंगे जिसको बेकरी, गुलशन की बड़ी मशहूर बेकरी है जिसको बेकरी। मेरे सीधे हाथ में टी ओ हॉस्पिटल है, और ये स्ट्रेट जो रास्ता जा रहा है कि जा रहा है उसके बिक्री की तरफ। ये जो ब्रिज आ रहा है 13DC की तरफ से ब्रिज आ रहा है, 13D की तरफ से गुलशन इकबाल, और ये स्ट्रेट अगर जाएंगे तो इसके मोड़ की तरफ हम रास्ता जाएगा। ये भी फूड स्ट्रीट बनी हुई गुलशन इकबाल की, एक फूड स्ट्रीट पीछे की तरफ है ब्लॉक 2 ब्लॉक 4 की तरफ, ब्लॉक 3 की तरफ, और एक फूड स्ट्रीट ये वाली है। तो आप देख सकते हैं कि काफ़ी जो है यहाँ आपको ट्रैफिक मिलेगा, खाने पीने की वजह से लोगों ने यहाँ आए हुए हैं। और यहाँ की जो मार्केट है कपड़ों की, यहाँ भी बड़े अच्छे कपड़े मिलते हैं, थोड़े महंगे हैं कंपेरेटिवली। करीमाबाद की बात करूँ तो वहाँ से सारे महंगे हैं, करीमाबाद सस्ते मिलते हैं। आपको यहाँ ब्रांड मिलेंगे काफ़ी, बॉर्डर वाले भी अंदर काफ़ी बढ़े हैं, मारोस है और फेबुला है और दो तीन और हैं। और इसको बिक्री काफ़ी मशहूर है गुलशन इकबाल की। तो ये सिग्नल पे खड़े हैं, हम सिग्नल पर आ गए। और मेरे लेफ्ट पे जो है इसको बिक्री की काफ़ी मशहूर पूछने की बात की, अल्लाह अकबर। जो KMC वाले हैं वो दरख्तों का प्रॉपर काम कर नहीं रहे, आपने देखा होगा कि एक दरख्त निकला हुआ था यहाँ और गाड़ी पर टच हुआ है वो, और बड़ा बेतुक निकला हुआ है, कोई दिखने वाला नहीं है। और मेरे ख्याल अभी थोड़ी देर बाद दिखूंगा गाड़ी, क्योंकि कहीं टच तो नहीं हुआ है।